और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजरे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक किस स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी क्या मैं, अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है, वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है, बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ, मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ, उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरी फैमिली से पूछो। जब मेरा रेसलिंग, जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से, मैं जब 5 साल की थी मैं तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग मेरे से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है।